इसका मेंस्ट्रुअल कप यूज करना सेफ है, इसकी वजह से कहीं कैंसर तो नहीं हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की एक प्रॉब्लम होती है वो तो नहीं हो जाएगी, या फिर TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तो नहीं हो जाएगा, जो कि बहुत सारी फीमेल को हो जाता है, एक बहुत ही ये समझिए भयानक इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहीं वो तो नहीं हो जाएगा अगर ये हम अपनी जो वजाइना है उसके अंदर अगर डालते हैं, तो इससे कहीं वर्जिनिटी तो लूज नहीं हो जाएगी, या फिर किस उम्र में इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या साइज चूज़ करना है, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे पर्सनली कुछ लोगों ने पूछा भी है, तो उन सबके लिए वीडियो है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको सबके साथ शेयर करना है, चाहे लड़का दिख रहा है या फिर लड़की दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो मेंस्ट्रुअल कप है ये किसी भी उम्र में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, और भी डिफरेंट डिफरेंट इसकी शेप्स हो सकती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, ये अलग अलग तरीके की इनकी ये जो नीचे का जो है एक जो कि जिसकी हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं नीचे खींच सकते हैं, तो ये हो सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके के डिज़ाइन इनकी मिल सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ओके। तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको साइज कैसे चूज करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप जो है उसका साइज कैसे चूज करना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा साइज सूट करेगा, है ना। तो उससे पहले आपकी बॉडी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको शुरुआत में मंगा रहे हैं तो ये कहूंगी कि पहले आप अपनी बॉडी का नाप लीजिए, वो कैसे लेंगे। तो चलिए उसके लिए आपकी आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक पिक्चर निकाली है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी ताकि आप समझ पाएं। ये हमारा गर्भाशय है और ये क्या है, गर्भाशय। इसके नीचे क्या है, बच्चेदानी का मुंह है जिसको सर्विक्स बोलते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो कहाँ पे है। तो हम अपने प्राइवेट जो हिस्सा है वजाइना उसके थ्रू हम अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको इंसर्ट करते हैं और फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ठीक से पता चलता है कि नहीं कि हमारी जो सर्विक्स है वो कहाँ है। तो आप इसको इंसर्ट करेंगे, अगर आपकी ये जो फिंगर है तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर ये लगभग आधी से आधी या फिर इससे भी कम ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हैं इस पैन से ऊपर का, तो अगर इतना है, देखिए यहाँ पे अगर ये इतना है तो इसका मतलब आपकी सर्विक्स है वो नीचे है, ठीक है, मतलब बहुत नीचे है। तो आपको बहुत बड़ा साइज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी ये जो फिंगर है ये आधी से भी ज्यादा इंसर्ट हो रही है अंदर, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सर्विक्स है वो क्या है, हाई सर्विक्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं लो सर्विक्स, इसको बोलते हैं हाई सर्विक्स। तो इस तरीके से आपको मेजर कर लेना है। अब साइज कैसे कैसे कौन सी एज में इसको चूज करना है उसके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो देखिए पहली बात तो ये, इसके तीन साइजेस आते हैं मोस्टली, अलग अलग ब्रांड में थोड़ा एस एम ऐसे करके बता देते हैं, लेकिन मोस्टली तीन ही हैं, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। स्मॉल कौन यूज करेंगे, तो जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है वो लोग यूज करेंगे, मतलब टीनेजर्स के लिए है। तो जो टीनेजर्स हैं वो यूज कर सकती हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि उनकी जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाएगा इसको यूज करने से, तो ऐसा नहीं होता है। अब देखिए जो हाइमन है उसकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है, किसी का बहुत ही थिन होता है, बहुत थिन होता है तो कभी कभी खुद ही ब्रेक हो जाता है, या फिर आप इसको इंसर्ट करते हैं तो हो जाता है, लेकिन किसी किसी का फिर भी नहीं होता है, क्योंकि जो एक थिकनेस होती है वो डिसाइड करती है कि ये ब्रेक होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राई करके देखना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ना ट्राई करें, ओके। तो जो टीनेजर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं, मतलब 18 साल से नीचे आप समझ सकते हैं जो भी गर्ल्स हैं वो इसको यूज़ कर पाएंगे, और मेनली जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है वो यूज़ कर सकती हैं। मीडियम साइज कौन यूज़ करेगा, जिसकी उम्र 18 से ऊपर है, या फिर आप समझ सकते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हो चुका है, और ये भी आप मानिए कि जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल इतनी है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिसने मतलब बर्थ तो उसने की है, मतलब अपने बच्चे को जन्म दिया है लेकिन उसकी वजाइनल बर्थ नहीं हुई है, ठीक है, मतलब सिजेरियन उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो भी एम साइज यूज़ कर सकते हैं, और जिसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पे चलते हैं, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए जो लार्ज साइज है वो किसको यूज़ करना चाहिए, उसके हिसाब से देखिए इनकी कैपेसिटी है। तो मेनली क्या है कि इनका ये वाला हिस्सा जो होता है ये थोड़ा सा अच्छे से लोक कर पाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जो एल साइज है वो कौन यूज करेंगे, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है या फिर कम उम्र है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो भी आपको एल साइज यूज कर लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आपकी
अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, अगर आपकी वजाइनल बर्थ हुई है बच्चे की, तो आपको एल साइज यूज करना है. ओके, तो ये क्या हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, कभी कभी हमारी जो बॉडी है वो हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके लिए सूटेबल है इस तरीके से मैंने बताया वो आप देख लीजिए. अगर नहीं हो रहा है सूट, तो आप बिल्कुल इस तरीके से ना सोचें कि मुझे तो कोई फिट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है ये लगाने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को यूज़ कर सकते हैं. देखिए, हम पैड्स के ऊपर इतना सारा खर्चा करते हैं, अगर एक दिन का भी अगर हम पैड यूज़ करते हैं तो लगभग 3 से 4 या किसी किसी के उससे भी ज़्यादा पैड्स यूज़ हो जाते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन ये बहुत ही, ये समझिए कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली है. तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट साइज को ट्राई कर सकते हैं, और इसको कितने समय के लिए यूज़ करना है तो आपको खुद से पता चल जाएगा. वैसे इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स तक हो सकती है, ठीक है, 10 साल तक हो सकती है. और इसका भी मैं जवाब दे दूं कि ये जो है ये आपकी बॉडी को कोई रिएक्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो इसका मटेरियल है ना, ये इनर्ट मटेरियल होता है एक तरीके से, आपकी बॉडी के साथ कहीं पे भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है. तो ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है, समझ पा रहे हैं. तो इससे कोई किसी तरीके की बीमारी भी आपको नहीं होगी, एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा, कैंसर भी नहीं होगा. और जैसे कि आपको रैशेस हो जाते हैं पैड्स यूज़ करते हैं या फिर आप टैम्पून यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एक TSS करके मैंने बताया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम के लिए जो आपकी बॉडी पार्ट है उसके अंदर टैम्पून रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं. तो इस वजह से इससे भी ये बचाता है, तो ये बहुत अच्छा है. इस तरीके से आप अपना साइज चूज़ कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, थोड़ा सा और डिटेल में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है. तो देखिए ये क्या है, पहली बात तो ये कि एक राउंडेड रिम होती है, ये देख पा रहे हैं आप, राउंडेड रिम है, ठीक है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा थिक है, और इसमें क्या है, कुछ छिद्र होते हैं, ठीक है, ये आप छिद्र देख पा रहे हैं. तो देखिए ये रिम का क्या काम है कि आपकी बॉडी में परफेक्टली फिट हो जाती है. देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, ये सर्विक्स है, मतलब बच्चेदानी का मुंह है, तो हमें यहाँ पे इसको लगाना होता है. तो ये जो रिम है ये प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में जाके ये ऐसे फिट हो जाती है, ठीक है. और क्या काम करती है, एक जो आपकी जो बॉडी का जो शेप है, मतलब ये जो हमारी वजाइना है, तो एक्चुअल में वो बिल्कुल ऐसे ट्यूब की तरह नहीं होती है, वो पूरी तरीके से सिमटी हुई होती है, जबकि है तो ट्यूब ही, लेकिन ऐसे सिमटी हुई होती है. तो जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका ही वो शेप प्रॉपर तरीके से ले लेगा, इसलिए ये इसकी रिम बनाई गई है. अब नेक्स्ट है कि एक ये मिलेगा आपको देखने को, तो ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये बाहर निकला हुआ रहेगा, तो नहीं, इस तरीके से नहीं रहेगा. जब भी आप अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है. अगर आप लोग देखिए शुरुआत में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सही है, आप इसको रखिए. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इसके साथ तो आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन डालने से पहले, समझ रहे हैं, ये आपकी हेल्प करता है कि आप इसको इजीली रिमूव कर पाएं, आप इसको ढूंढ सकें, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कहीं खो तो नहीं जाएगा, इधर उधर तो नहीं हो जाएगा. तो उसके लिए ये आप बहुत अच्छा ऑप्शन है कि शुरुआत में आप इसको रहने दीजिए. अगर आप चाहते हैं बहुत लॉन्ग है तो उसको कट कर लीजिए, ठीक है. किसी में आती है, किसी में नहीं भी आती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. यहाँ पे क्या है, ये जो इसकी सरफेस है ये बहुत स्मूथ होती है, तो ईजिली अंदर चली जाती है. अब देखो इसमें कुछ आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से छिद्र होते हैं. तो ये क्या काम करते हैं, एक ये समझिए कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो आपकी ये वाला हिस्सा है, इसमें जब ये जाएगा, इसमें जब इसको इंसर्ट करते हैं तो ये एक क्या कर लेता है, एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, ये समझिए, एक प्रॉपर तरीके से इसको होल्ड करने में काम आता है, एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से निकल नहीं पाता है. तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉन्ड बन जाता है आपकी इन वॉल्स के बीच में और इसके बीच में, ठीक है, एक सील हो गई बिल्कुल पैक. ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा, ऐसे खींचोगे तो भी नहीं निकलेगा. उसको निकालने की भी एक टेक्निक होती है, वो कि जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. नेक्स्ट है कैसे आप इसको डाल लें, क्योंकि देखिए सीधे ऐसे ही तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐसे इंसर्ट होगा भी नहीं, ठीक है. तो इंसर्ट करने के लिए आपको मैं 3 तरीके की ये बता रही हूँ. पहली है जिसको बोलते हैं सी फोल्ड. देखो सी फोल्ड में क्या होता है कि ये जो है कप, आप इसको ऊपर की जो रिम है उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे मोड़ लीजिए, मतलब जैसे आपको सी दिखाई दे या फिर वी दिखाई दे, कुछ इस तरीके से आप उसको मोड़ लीजिए, प्रॉपर ऐसे मोड़ना है, ठीक है. इस तरीके से आप जब मोड़ लेते हैं और फिर आप ऐसे इंसर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, बाद में ऐसे खुल जाएगा, ओके. एक तो ये तरीका है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप देखिएगा. दूसरा तरीका ये है कि 7 बना लीजिए, इस रिम को ऐसे मोड़िए, ठीक है. उसको आप क्या करेंगे, जैसे 7 होता है ये देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही हमें करना है फोल्ड कि ये क्या बन जाए, 7 बन जाए. तो जब आप इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, अंदर डालेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो जब आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो भी ये अंदर जाके इजीली खुल जाएगा, ठीक है. अगर नहीं खुल पा रहा है तो थोड़ा सा आप इसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से वो सील फिट हो जाए. नेक्स्ट है पंच
टेक्निक। पंच में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ये जो रिम है इसको कहीं से भी क्या करना है, ऐसे ऐसे पंच कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको पंच कर देना है, मतलब थोड़ा सा दबा लेना है और फिर आप क्या करेंगे, ऐसे इसको मोड़ेंगे एंड देन आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन सी पोजीशंस यूज करनी है ताकि इजीली हो जाए, क्योंकि सबसे इतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो देखिए, आप जब 2-3 महीने आप इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, किसी से शुरुआत में हो जाएगा, किसी को 1 या 2 महीने लग जाएंगे, किसी को थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ पाएंगे अपनी बॉडी को कि इस पोजीशन में इस तरीके से मोड़ने से मुझे और ये वाला साइज मुझे फिट हो रहा है, ठीक है। तो पहली तो है ये वाली पोजीशन, जिसमें आप अपने पैरों को प्रॉपर तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है सामने से, ऐसे खोल सकते हैं ऐसे बैठ के, और ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन है क्योंकि इसमें बिल्कुल वाइड हो जाता है एरिया, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। पहली पोजीशन ये है। दूसरा है कि आप सीट के ऊपर, टॉयलेट सीट है उसके ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कन्वीनियंट नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता है, बट सबकी अपनी चॉइस है, हो सकता है आपके लिए ये काम कर जाए। नेक्स्ट है कि आप एक पैर या तो आप चेयर पर रख सकते हैं, किसी भी स्टूल के ऊपर थोड़ी सी हाइट पर रखेंगे इसकी तरह, एंड देन आप उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी किसी किसी के लिए काम करती है, तो जो आपके लिए सूटेबल है आप उसको ट्राई कीजिए। पहले सबको देखिए जिससे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो आप यूज करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इंसर्ट करेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से पंच टेक्निक की हेल्प से मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपकी जो संरचना है फीमेल्स की बता देती हूँ। ये हमारा गर्भाशय है, ये यहाँ पे क्या है, बच्चेदानी का मुँह है, ठीक है, सर्विक्स। तो हमें यहाँ तक इसको लेके जाना है, तो इस तरीके से आप इसको डालेंगे एंड देन आप यहाँ पे इसको ले जाके छोड़ देंगे, तो ऐसे ये खुल जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसे खुलेगा हमें बिल्कुल इसको पता है टच भी नहीं करना है, कि बिल्कुल इसको इतना ऊपर भी नहीं लेके आना है, क्योंकि उससे भी क्या हो सकता है, लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ इसको रख देना है, मतलब 2 से 2.5 सेंटीमीटर जब आपका ये लेंथ है उसके ऊपर ये चला जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको डाल देना है। तो आप समझिए इसमें लीकेज नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर साइज चूज किया है और प्रॉपर तरीके से आपने लगाया है। देखिए किसी किसी का अगर खुलता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि खुला नहीं मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा ये उभरा हुआ सा हिस्सा दिखाई देगा, तो आप इसको ऐसे टैप करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो भी ये खुल जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से रहेगा। आप इसके साथ स्विम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इजीली सबसे अच्छी बात आराम से सो सकते हैं। आप अगर आप इसके हैबिचुअल हो गए, आपको पता चल गया कैसे यूज़ करना है, तो आप जो पीरियड्स के नाम से ही थोड़ी सी इरिटेशन होती है उससे आप बच पाएंगे, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल है, आप भूल जाएंगे कि आपके पीरियड्स भी आ रहे हैं, सच में बहुत कंफर्टेबल है। और दूसरा, पैसों की भी बचत है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, मतलब 1 साल हो सकता है, किसी का 2 साल चल जाए, तो आप ये इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, या फिर प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स खुद पता चल जाएंगी। लेकिन इसकी जो उम्र है वो 10 साल तक रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे दूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो ये भी एक टेक्निक है। अगर सिंपली आप इसको ऐसे खींचेंगे तो नहीं निकलेगा, और आपको निकालना कैसे है, तो देखिए जब इस तरीके से लगा हुआ होता है तो सबसे पहले आपको अपनी फिंगर डालनी है और ये चेक करना है कि इसकी नोब कहाँ है। तो ये थोड़ा अंदर ही रहेगी, ज़्यादा बाहर नहीं रहेगी, तो आप ये चेक करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी फिंगर को घुमाएंगे और यहाँ से इस तरीके से आप पिंच कर देंगे इसको, ठीक है। ऐसे जब पिंच करेंगे तो जो बोन होता है जिसकी वजह से ये यहाँ पे फिक्स रहता है वो टूट जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसका जो ये समझिए जो भी एक सील बनी हुई थी वो, उसका प्रेशर कम हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप इजिली डिस्पोज कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने ब्लड को अपने टॉयलेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप इसको धो सकते हैं और अगेन इसको यूज कर सकते हैं, धो के यूज कर लीजिए, सिंपल वाटर से धो लीजिए, या फिर जो माइल्ड सा कोई आपके पास वॉश है उससे भी धो सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखिए जब आप इसको शुरुआत में लेते हैं तो आपको क्या करना है, जब शुरू में आप ले रहे हैं तो पहले इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, उससे पहले आपको इसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से इसमें कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जाने वाला है। तो कुछ गर्म पानी करेंगे, कुछ स्टीमर भी आते हैं जो कि इसको प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट कर देते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका है, पानी को गर्म कीजिए और उसके अंदर इसको 10 से 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए डाल देंगे काफ़ी है, थोड़े डाल दीजिए फिर उसको आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और ये एक पीरियड में सिर्फ आपको बार बार इसको गर्म पानी में खुलाने की जरूरत नहीं है, जैसे 5 से 7 दिन तक आपकी ब्लीडिंग होती है तो बार बार इसको खुलाए ना, ये जरूरी नहीं है। बस आपको नॉर्मल से इसको वॉश करना है एंड अगेन आपको यूज़ करना है। लेकिन जैसे ही आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो अगेन इसको गर्म पानी में डाल के डिसइंफेक्ट आपको करना है, और फिर आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका जो कवर आता है इसके अंदर ही आपको, ये पोटली के जैसा है, इसके अंदर आपको रख देना है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आती हैं ये भी,
तो जब आपका नेक्स्ट जब पीरियड शुरू होगा तो अगेन इसको क्या करना है, आपको बॉयल जो वाटर है उसके अंदर आपको डालना है और फिर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मुझे जिसने पूछा था आई होप उसके मैं सारे डाउट क्लियर कर पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है जिसने यूज़ किया है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, और इसके बाद आप भूल जाएंगे कि आपके पीरियड्स भी आ रहे हैं। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि एक जो फीमेल है वो लगभग 400 से 500 क्या होते हैं अपनी लाइफ टाइम में पीरियड्स का सामना करती है। तो उस टाइम में सोचिए एक दिन के 4 से 5 पैड्स चले जाते, किसी के 3 से तो कम कोई यूज़ नहीं करता होगा, समझिए। तो लाइफ टाइम में कितने हज़ारों मतलब उन्होंने पीरियड्स में पैड्स यूज़ किए हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इतनी ईजिली वो ये समझिए डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलेगा तो आपकी जो पैसे हैं उसकी भी बचत होगी, और आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पीरियड्स में जिस तरीके से हमारे बॉडी में रैसेस हो जाते हैं, स्मेल आती है, तो उन सबसे बचाता है, क्योंकि पैड के ऊपर बहुत टाइम तक अगर ब्लड रहता है तो हमारी बॉडी के संपर्क में रहता है, और इतना सेंसिटिव हिस्सा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो आपकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स को भी ये क्या कर रहा है, वॉल्स से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो जो ब्लड आएगा सीधा इसके अंदर जाएगा, आपकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब ये हो सकता है कि जब आप शुरुआत में यूज़ करेंगे इसको तो थोड़ा सा मैसी हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर ब्लड गिर सकता है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे इसको तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इसको बिल्कुल शेयर करना है, सबके साथ शेयर करना है। छोटी बच्ची इसको देखे जिसके पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं तो उनको भी जरूर देखने चाहिए, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जब भी आपके पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है तो प्लीज़ एक बार मिलिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। सो गुड बाय।